नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे जालौन, भाजपा पर किए तीखे प्रहार। जालौन में आज भारतीय जनता आंतरिक गठबंधन के तत्वाधान में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी द्वारा मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह धनगर भैया जी सम्मिलित होने पहुंचे। बता दें कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से विधानसभा सीट के दावेदार एवं मंडल अध्यक्ष झांसी जसराम सिंह बघेल के संयोजन में IDA गठबंधन का मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन उरई के रघुवीर धाम में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह धनगर भैया जी सम्मिलित होने पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी एवं IDA गठबंधन किसानों के आंदोलन को पूर्ण समर्थन करती है। उन्होंने भाजपा द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को काला कानून बताया और निंदा की। उन्होंने कहा कि SC ST एवं OBC को शिक्षा, व्यापार, रोजगार, राजनीति सहित हर क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, इसी संकल्प के साथ हमारे IDA गठबंधन को अभी तक 20 घटक दलों का समर्थन मिला है। अध्यक्ष जी, आज उरई आना हुआ है, कारण बता दीजिए, उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ साहब सिंह धनगर भैया जी, और हम लोगों ने छोटे छोटे दलों के साथ में एक भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे संक्षेप में IDA कहते हैं, वो बनाया है। और उस गठबंधन के हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडलीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। तो हम लोग 10 दिसंबर से अपना मंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन करते आ रहे हैं। 10 तारीख में झांसी मंडल का मऊरानीपुर में प्रशिक्षण सम्मेलन था, तो वहाँ से हम लोग लौटे हैं, क्योंकि 12 तारीख का कल कानपुर मंडल का अंतिम कार्यक्रम है इस दौर का, तो उसके लिए हम जा रहे थे। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ये बात कही कि भाई आपका हम सम्मान कर देते हैं, आप यहाँ होके जाइए, तो यहाँ हम अपना उसी दौरान आए। तो कितने संगठनों से बात हुई, क्या कैसी रणनीति रहेगी पार्टी की? अभी तक 20 राजनीतिक दल इस IDA गठबंधन में शामिल हुए हैं, और IDA गठबंधन का मूल उद्देश्य है, क्योंकि यह देश जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, तो इस देश में सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी संकल्प को लेकर के ये IDA गठबंधन आगे बढ़ा है। कैसी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं आप, क्या किस प्रकार से आरक्षण चाहिए? शिक्षा है, नौकरी है, व्यापार है, राजनीति है। इनमें नौकरी में आज देखें तो भाई इस देश में 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, और 10% यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है आरक्षण की, उसमें 22.5% SC ST के लिए, 27% OBC के लिए, यह 49% होता है, और 50% उन 10% लोगों के लिए दिया है। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये न्यायिक व्यवस्था नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए IDA गठबंधन चाहता है जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में उसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि हम OBC से हैं और सबसे बड़े हितैषी हैं OBC। मोदी जी कहते हैं, लेकिन अभी तक जो संविधान के अनुसार जो भी आरक्षण व्यवस्था 49% SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए दी गई है, उसका किसी भी विभाग में आज तक कोटा पूरा नहीं हुआ है 73 वर्ष की आज़ादी में। एक तो उन्हें पूरा नहीं मिल रहा, दूसरे वह भी कोटा पूरा नहीं हुआ है। तो भाई OBC से है तो OBC की जो जनसंख्या है वो 52% है, तो यदि OBC के हैं तो 52% आरक्षण की व्यवस्था करें, तब तो हम माने आप OBC के हैं। और वो OBC के नहीं है, ये तो लोगों को OBC के लोगों को मूर्ख बनाया गया है। वो घांची एक जाति है, उस बनिया बरादरी की है, जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने घांची जाति को OBC में रख दिया था। जैसे यहाँ जब रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने जाट बरादरी को OBC में रख दिया। जाट किसी भी स्तर पर OBC की कैटेगरी के लायक नहीं है। ऐसे ही गुजरात में घांची जाति किसी भी स्तर पर OBC के लायक नहीं है, लेकिन चूँकि
प्रदेशों की सरकारों की ये पावर है कि वो ओबीसी में किसी भी जाति को शामिल कर सकती हैं। तो जब ये मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने अपनी जाति को, घांची जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया। ये अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ये ओबीसी के नहीं, ये तो बनिया है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो आपकी पार्टी इसको किस प्रकार से देखती है? जो आईडीए गठबंधन है, वो आईडीए गठबंधन किसानों के आंदोलन के साथ पूरी तरह से है और उसका पूर्ण समर्थन करता है। और जिस सरकार ने ये काला कानून बनाया है, एनडीए सरकार ने, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पंचायत चुनाव नज़दीक है, पार्टी किस प्रकार से लड़ेगी? इस समय आईडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, वो विभिन्न जनपदों से हैं, तो वो अपने अपने जहाँ भी जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य लड़ाना चाहेंगे, तो आईडीए गठबंधन का उनके लिए पूरा समर्थन रहेगा।